हाय दोस्तों, आज हम हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 3.1 के साथ हम ये नया लेसन भी है। लेसन का नाम क्या है? इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। अब देखो, आपके अगर आप अपने बुक को देखोगे तो बुक की स्टार्टिंग में लॉ ऑफ इंडाइसेस है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, जैसे उससे रिलेटेड कहीं पे क्वेश्चन आया तो मैं आपको करा के दूंगा उससे रिलेटेड अगर आया, पर अगर आप उसको एक वन टाइम आप लिख लो, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके बुक में इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो याद से आप लिख लेना, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, जो लेसन नंबर सेकेंड है उसका लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको नहीं करा के दिया है, मैं आपको करा के दूंगा। क्यों नहीं करा के दिया है? क्योंकि अभी लॉकडाउन है और मैं जहां पे रहता हूं आप भी वहीं पे रहते हो, और अगर कोई ये बाहर वीडियो देख रहा होगा तो वो दूसरी जगह रहता होगा, तो यहाँ पे लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे स्टेशनरी के जो शॉप्स है, स्टेशनरी के वो बंद है, जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मतलब लॉकडाउन के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, जो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो नहीं है हमारे पास। इसकी वजह से मैंने वो वाला एक्सरसाइज स्किप किया है। जैसे ही वो हमारे पास आ जाएगा, अगर नहीं आया तो मैं रफली आपको बता दूंगा, पर अगर मैं सोच रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल अगर बॉक्स अगर मेरे पास आ जाएगा तो उससे आपको ज्योमेट्री बॉक्स से आपको बहुत ही अच्छे से मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा। अगर वो नहीं आया तो मैं रफली आपको बता दूंगा, फिर आप ड्रॉ करना, समझ में आ रही? तो मुझे क्या प्रोटेक्टर ये सब बहुत ही अच्छे से आपको समझाना है। तो जैसे ही वो मेरे पास आ जाएगा एक दो दिन में, तो वो वाला एक्सरसाइज आपको करा के दे दूंगा। तो आज मैं नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इंडेक्स। इंडाइसेस लेसन पता है, इंडाइसेस। इंडाइसेस मतलब कुछ कोई भी नंबर्स, जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं और इसके यहाँ पे कुछ यहाँ पे पावर में होना, समझ में आएगी? तो इसको इंडेक्स फॉर्म में इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो कुछ रहेगा वो पावर में होना, उसको इंडेक्स फॉर्म में बोलते हैं। अब इसको आप रीड कैसे करते थे? यहाँ पे एट लिखा हो, यहाँ पे 1/5 लिखा हो, तो आप इसे रीड कैसे करोगे? तो इसको बोलोगे फिफ्थ रूट ऑफ एट। क्या बोलोगे? फिफ्थ रूट ऑफ एट। अगर समझो मैंने यहाँ पे 7 कर दिया तो क्या बोलोगे? सेवेंथ रूट ऑफ एट। अगर समझो मैंने यहाँ पे 9 कर दिया तो क्या बोलोगे? नाइन्थ रूट ऑफ एट। बाद में अगर समझो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया तो क्या बोलोगे? सिक्स रूट ऑफ एट। अगर समझो मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ समझो यहाँ पे 13 लिखा और यहाँ पे 1/12 लिखा, तो क्या लिखोगे? 12th रूट ऑफ 13, समझ में? तो ये 12 ये रूट है, तो 12th रूट ऑफ 13। ओके, आपको और मैं बताता हूँ। देखो, दो कंडीशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखना है। इंपॉर्टेंट मतलब ये दो कंडीशन आपको अलग से याद करना है। अगर सपोज यहां पे 2 आया तो इसे आप सेकेंड रूट नहीं बोलोगे, इसे आप स्क्वायर रूट बोलोगे। क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट। क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट। याद रखना, क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 13। और यहां पे अगर सपोज 3 आया तो इसे आप क्या लिखोगे? क्यूब रूट ऑफ 13। समझ में? ये दो चीजें याद रखना, यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 13 मत बोलना। इसके अलावा अगर कुछ भी आया तो ये आप अलग से ऐसे लिख के रख लो कि अगर इस टाइप में आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है यहाँ पे 13, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 13। तो 3 को क्यूब बोलते हैं, 2 को स्क्वायर बोलते हैं, और बाकी कुछ भी आया तो आपको क्या करना है? वो नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज ऐसा है 13 है, यहाँ पे 1/5, तो क्या लिखोगे? फिफ्थ रूट ऑफ 13। यहाँ पे आइसक्रीम है तो कैसे बोलोगे? आइसक्रीम रूट ऑफ 13। अगर सपोज यहाँ पे मार्कर है, यहाँ पे क्या है? मार्कर है, तो क्या बोलोगे? मार्कर, मार्कर रूट ऑफ 13। समझो यहाँ पे थप्पड़ है, क्या है? थप्पड़ है, तो क्या बोलोगे? थप्पड़ रूट ऑफ 13। कुछ भी है, समझ में आएगी? कुछ भी आएगा तो आपको वही बताना है, समझ में आएगी? क्लियर है ये सिस्टमेटिक है? ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है कुछ? ओके, अब देखो यहाँ पे बस जो चीजें मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा? फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो आपको पता है ना 13 आप लिखोगे, और फिफ्थ रूट मतलब क्या होता है? 1/5। फिफ्थ रूट मतलब क्या होता है? 1/5। बाद में 9 लिखोगे तो यहाँ पे क्या है? 9। यहाँ पे क्या? सिक्स्थ रूट है, तो आएगा 1/6। स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या आएगा? 256 आएगा। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? 1/2। क्यूब रूट ऑफ 17, 17 लिखो, क्यूब रूट मतलब 1/3। एट रूट ऑफ 100, 100 लिखो, 8 रूट मतलब 1/8। बाद में 7th रूट ऑफ 30, 30 लिखो और 1/7। प्लीज
चेक कर लो एक बार अच्छे से, सिस्टमैटिक है कि नहीं है, कुछ मिस हुआ ही नहीं, प्रॉपर मैंने सिस्टमैटिक लिख दिया है। ओके, तो ये इंडेक्स फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, राइट इन दी फॉर्म nth रूट ऑफ a, मतलब nth रूट ऑफ a लिखना है, इसकी तरह ऐसा ये आया इसका उल्टा, जैसे लॉक था ना, लॉकडाउन था, अब कैसा हो गया, अनलॉक आ गया, समझ में आई नहीं, आपके घर पे की रहेगा ना, आप क्या एक बार लॉक करते फिर अनलॉक करते हो ना, तो एक बार पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ, अब क्या हो गया, अनलॉक हो गया, तो आपको यहाँ पे उल्टा करना है। अब उल्टा कैसे करोगे, ये दिया है आपको वर्डिंग में लिखना, यहाँ पे कैसे लिखोगे, फोर्थ रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 49, फिफ्थ रूट ऑफ 5 है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 5, फिफ्थ रूट ऑफ 15, नाइन्थ रूट ऑफ 512, नाइनटीन्थ रूट ऑफ 100, सेवेंथ रूट ऑफ 6। ओके, अब इतना तो आप काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, लिख लोगे ना प्रॉपर, देखो फिर से बता रहा हूँ, लिखते जाओ, फोर्थ रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 49, फिफ्थ रूट ऑफ 15, नाइन्थ रूट ऑफ 512, नाइनटीन्थ रूट ऑफ 100 एंड सेवेंथ रूट ऑफ 6। ओके, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, चलो लिख देता हूँ, क्या लिखूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ रूट ऑफ क्या आएगा, 81 आएगा, क्लियर हो गया, फोर्थ रूट ऑफ 81, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया, 49, यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 15, यहाँ पे क्या आएगा, नाइन्थ, हाँ यहाँ पे नाइन्थ लिखना है आपको, एन आई एन ई मत लिख देना, नाइन्थ रूट ऑफ 512। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा, 19 का पूरा स्पेलिंग लिखना और उसके आगे टी एस दे देना, 19 रूट ऑफ 100, और यहाँ पे एक तो आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपके लिए प्यारा सा स्कीम है, एक आपको बताना, चलो आप बताओ, बोलो इसका क्या है, क्या आएगा, जल्दी बोलो, आप क्या ध्यान दे रहे हो, सेवन रूट ऑफ 6, वेरी गुड, समझना, 12th कॉमर्स में आप 8 का आंसर दे रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, तो सेवेंथ रूट ऑफ 6। ओके, तो गाइस ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, और ये जितने भी मैंने यहाँ पे पार्ट्स लिखने के लिए दिए हैं ये आपको टू टाइम प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके आपके ग्रुप में क्या करना है, पोस्ट करना है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू और जय हिंद।